तो यार आज की सुपी वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज अवेंजर्स। और अगर तुमने आज तक अवेंजर्स के बारे में नहीं सुना, भाई कौन से प्लैनेट के प्राणी हो? और मैं इसमें आयरन मैन से लेकर कैप्टन अमेरिका तक और कैप्टन अमेरिका से लेकर थॉर तक किसी में भी शेप शिफ्ट कर सकता हूँ। और मेरे इसमें कुछ गोल्स यही रहने वाले हैं। फर्स्ट, मुझे सभी के सभी अवेंजर्स को अनलॉक करना है, और उसके बाद मुझे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी ढूंढना है, और उसके बाद हम मारने वाले थैनोस को। और यार आज की वीडियो काफी ज्यादा ओपी होने वाली है, तो पहले ही वीडियो को लाइक कर देना। और मैं वीडियो के लास्ट में एक ओपी वाली जगह जाने वाला हूँ, तो कृपया करके यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डे वन को ही मैं एक नॉर्मल जगह स्पॉन हो चुका था, और मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता हूँ कि हमें सुपर हीरोज की आइडेंटिटी ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले तो मैंने वही किया जो कि सभी करते हैं, यानी कि वुड्स कलेक्ट करना। फिर मैंने माइनक्राफ्ट की सबसे मेन चीज बनाई, यानी कि क्राफ्टिंग टेबल। और फिर मैंने बाकी चीजें बनाना भी शुरू कर दी, जैसे कि स्टिक्स, वुडन पिकैक्स और स्वॉर्ड भी। फिर मैंने अपने लिए थोड़े खाने का इंतजाम भी किया, और अब हमारा डे वन भी एंड हो चुका था। डे टू को पहले तो मैंने फिर से वुड्स कलेक्ट की और एक छोटा सा घर बनाया ताकि मैं उसमें रह सकूं, और साथ ही साथ अपनी कुछ जरूरी चीजें भी उसमें रख सकूं। डे टू से डे थ्री तक मैंने उसी पर काम किया, और अब वो भी कंप्लीट हो चुका था। और हाँ, मुझे सुपर हीरोज की आइडेंटिटी एक एक करके चेस्ट में मिलने वाली है। डे थ्री से डे सिक्स तक मैं उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। पर उसी के साथ साथ मुझे एक बढ़िया सा विलेज मिल चुका था, और उसके बाद मैं माइनिंग पर गया, और मुझे वहां पर कोबलस्टोन्स और कोल मिला। मैंने जल्दी से उसकी हेल्प से कुछ चीजें बनाई, जैसे कि टॉर्च और टूल्स, और फिर मैं उसी विलेज में रहने लगा। डे सेवन को मैं उठा, और पहले तो मैंने कुछ खाया पिया, और फिर मैं विलेजर से पूछने लगा कि क्या उन्हें सुपर हीरोज की आइडेंटिटी के बारे में पता है। उन्होंने मुझे एक मैप दिया, और मैंने उसे फॉलो किया, और मैं एक रिवर के पास आ चुका था। मुझे उसके थोड़े साइड में ही एक चेस्ट मिली, और मैंने उसे खोला, और भाई उसमें मुझे ब्लैक पैंथर और आयरन स्पाइडर की आइडेंटिटी मिली। पहले तो मैं ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट हुआ, और भाई साहब उसकी पावर्स काफी ज्यादा ओपी थी। और उसके बाद मैं आयरन स्पाइडर में भी कन्वर्ट हुआ, और यार वो भी एकदम मस्त था। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यार मुझे थॉर की पावर्स चाहिए थी, और साथ ही साथ आयरन मैन की भी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट अवेंजर कौन है, क्या वो है थॉर या हल्क या विज एक्स। और अब मुझे और भी ज्यादा सुपर हीरोज चाहिए थे। पहले तो मैंने डे 10 से डे 15 तक लगातार माइनिंग करके आयरन कलेक्ट किया, और आयरन के बहुत से टूल्स भी बनाए, और उसी के साथ साथ ही एक बढ़िया सा आर्मर भी। फिर मैं और भी बहुत सी जगह गया ताकि मुझे और भी पावर्स मिल जाए। फिर मैं हरियाली में, मतलब कि जंगल में हल्क को ढूंढने के लिए गया, और डे 17 को मुझे हल्क भाई भी मिल चुके थे। और एक बार तुम इसे देखो, पहले तो मैंने हल्क बनकर इधर उधर के मॉब्स को मारा, क्योंकि हल्क का काम है तोड़ना फोड़ना। और अब मेरे पास टोटल 3 सुपर हीरोज आ चुके थे, और अब बस कुछ ही बचे थे। पर यार थॉर मुझे किसी भी हालत में चाहिए था, तो मैं फिर से एक माइनिंग ट्रिप पर गया ताकि मुझे कुछ डायमंड्स भी मिल जाए, पर वो अलग बात है कि मुझे एक भी नहीं मिला। डे 20 से डे 23 तक मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखी, और डे 23 को मेरे पास 10 डायमंड्स आ चुके थे। मैंने उनसे जल्दी से डायमंड की पिकअप बनाई। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं थोड़ी देर पहले ही एक विलेजर के पास गया था, और उसने मुझे बताया कि मुझे नेदर में काफी ज्यादा सुपर हीरोज मिलने वाले हैं। पहले तो मैंने ऑब्सिडियंस ढूंढे और उन्हें माइन किया, फिर मैंने क्रीपर को मारकर गन पाउडर कलेक्ट किया और फ्लिंट एंड स्टील बनाई। उसके बाद मैंने जल्दी से नेदर पोर्टल बनाया और नेदर में चले गया। और जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर शायद से सुपर हीरोज के मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है, फिर मैंने नेदर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। और 24 को मुझे 2 चेस्ट मिली, और भाई उसके अंदर 2 काफी ज्यादा ओपी सुपर हीरोज थे, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेदर में ही उनकी शक्तियों का प्रयोग करूं, पर वो सेफ नहीं था, इसलिए मैं वापस ओवरवर्ल्ड में गया। और पहले तो मैंने आयरन मैन की पावर यूज की, और भाई उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़िया थी। और उसके बाद मैंने कैप्टन अमेरिका की भी पावर यूज की, और हाँ अब तो मेरे पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी आ चुकी थी। पर यार जो बात थॉर में ना, वो किसी और में नहीं, इसलिए मुझे किसी भी हालत में थॉर तो चाहिए ही चाहिए। फिर 24 से 26 तक
मैं थॉर की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मैंने उसे केव में ढूंढा, रिवर में भी, पेड़ के ऊपर भी, पर थॉर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मैं थक हार कर अपने विलेज में वापस आया और तभी मेरे पास एक विलेजर आया और उसने मुझे एक मैप दिया और वो मैप मेरे डायरेक्ट ऊपर इशारा कर रहा था। और मैंने जल्दी से कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट किए और आसमान की ऊंचाइयों में चले गया और वहां पर भी दो चेस्ट रखी थी। मैंने पहले को खोला और उसमें मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मिला और इसकी पावर यही है कि तुम कहीं पर भी किसी जगह भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। और सेकंड चेस्ट में आखिरकार मुझे मिल ही गया और भाई थॉर तो काफी ज्यादा ओपी अल्ट्रा प्रो मैक्स है क्या बोले, क्योंकि देखो यार तुम इसका हथौड़ा कहीं पर भी फेंक सकते हो और ये किसी को भी काफी ज्यादा डैमेज करता है। और ये देखो ये लाइटनिंग के साथ साथ ही फायर भी करता है। और तभी मैंने सोचा कि चलो एंडर ड्रैगन से भी मिलकर आते हैं। पहले तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज बनकर एंडर वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल खोला और अब मैं आ चुका था एंडर वर्ल्ड में। मैं थॉर बना और एंडर ड्रैगन को मार दिया, अब क्या बोले। और उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस गया और अब जो हमारा मुश्किल काम था वो था थैनोस को मारना। पर उससे पहले मैं उन सभी विलेजर से मिला और चले गया फिडे 30 को। मुझे मिला थैनोस। फिर हमारी एक खतरनाक और भयंकर वाली बैटल हुई। हम फाइट कर ही रहे थे कि इतने में उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाला और स्नैप कर दिया। आगे स्वाद। ओ भाई ये कौन सी जगह है और ये अभी अभी हुआ क्या? और मेरे विलेज के विलेजर्स सभी गायब हो चुके थे और हो ना हो ये सब कुछ उस एक स्नैप की वजह से हुआ है। और अगर मुझे सब कुछ वापस पहले जैसा करना है तो मुझे वो ग्लव चाहिए होगा। डे 31 से 33 तक मैंने कुछ नहीं किया और डे 34 को मैं उठा। पहले तो मैंने अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम किया क्योंकि खाना जरूरी है। और अब समय आ चुका था थैनोस को मारने का। इस बार वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और अब वो मुझे मिल चुका था। और ये वाली फाइट पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के लिए होने वाली है। अगर मैं जीता तो मैं सब कुछ पहले जैसे कर दूंगा, पर अगर गलती से भी अगर वो जीत गया तो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले मैंने उसकी तरफ जल्दी से अपना हैमर फेंका और अब हमारी फाइट शुरू हो चुकी थी। हम कंटिन्यू एक दिन तक लड़े, एक दिन थोड़ा ज्यादा हो गया। और आखिर में जाकर मैंने उसे हमेशा की तरह मार दिया और अब तो मेरे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी आ चुका था। मैंने फिर से स्नैप किया और अब मेरे विलेजर दोस्त भी वापस आ चुके थे, जो कि काफी ज्यादा ओपी बात है। और देखो अब हमने लगभग सभी एवेंजर्स को अनलॉक कर दिया है और साथ ही साथ थैनोस को भी मार दिया है और अब हमारे पास कोई भी काम नहीं बचा है। और साथ ही साथ हमारे सभी के सभी गोल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, पर अब बस बचा था एक मिशन उस मिस्टीरियस जगह पर जाने का जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मैं जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेंज बना और एक पोर्टल खोला और अब मैं आ चुका था अवेंजर्स SMP में। और ये वाला SMP काफी ज्यादा OP है। और अगर तुम्हें भी अवेंजर्स बनना है तो पिन कमेंट में सभी चीजों का लिंक है, मजे करो। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और लाइक एम हमेशा की तरह 11 के है तो उसे भी यार कंप्लीट कर देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।